Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए फौज का ऑपरेशन जारी। कुरम एजेंसी से बाजियाब कराए गए कैनेडियन जोड़े के अगवा में मुलविस दहशतगर्दों की तलाश के लिए किए जाने वाले 4 फौजी जवान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद। धमाके में शहीद जवानों की नमाज़े जनाजा अदा। शहीद कैप्टन हसनैन सिपाही सईद, जुम्मा गुल और सिपाही कादिर की मैयतें आबाई इलाके रवाना। वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं के शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। अफगान अमल में अफगान तालिबान को कैसे शामिल करें। मस्कत में पाकिस्तान, चीन, अमरीका और अफगानिस्तान कल सर जोड़कर बैठेंगे। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की क्यादत में पाकिस्तानी वफद मस्कत पहुंच गया। अमरीकी ड्रोन हमले में तालिबान अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद अफगान अमल मुअत्तल हो गया था। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंसाफ का मैयार कानून के मुताबिक रखना होगा। इंसाफ की फरहमी में उजलत इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है। ख्वाहिश है कि ऐसा निजाम बने कि हर साल को फौरी इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में खवातीन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शरीफ फैमिली की पेशी पर जुडिशल एकेडमी में थप्पड़ मारने वाला कौन, थप्पड़ खाने वाला कौन, सब साफ जाहिर। पर्चा भी दर्ज मगर कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। पुलिस अपने पेटी भाई इंस्पेक्टर शकील अहमद को इंसाफ दिलाने में ताहल नाकाम। लाहौर में स्पेशल बच्चों पर तशद्दुद केस में नया ट्विस्ट। कल तक इंसाफ के तलबगार वालिद ने अदालत में मुलजिमान से सुलह का राजीनामा जमा करा दिया। दोनों मुलजिमान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। क्या हुकूमत बच्चों को इंसाफ दिलाएगी। मेमन गोट कराची में रेंजर्स का छापा। पानी के टैंक से बड़ी तादाद में असला बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। रेंजर्स के मुताबिक असला गैंगस्टर बाबा लादना के ग्रुप ने छुपाया था। शहराए या मुख्तल कराची में हर रोज 3 से 5 अफराद ट्रैफिक हादसा में जान गंवा बैठते हैं। मरने वालों में अक्सरियत मोटरसाइकिल सवारों की होती है। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी और दिन के वक्त सड़कों पर हैवी ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह। क्या कोई तवज्जो देगा। कोर्ट में दो भाइयों की अपनी बीवियों को कारी करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। तसादुम में 8 अफराद जख्मी। सवाब में नाम लिहाज गैरत के नाम पर देवर ने भाभी और एक शख्स को कत्ल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 1081 खवातीन तशद्दुद का शिकार हुए। 139 जान बहक हो गए। गैरत के नाम पर 39 खवातीन की जान ली गई जबकि 658 खवातीन को अगवा किया गया। पुलिस रिपोर्ट में तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 9 साल में भी कानून साजी ना कर सके। कराची में रकम डकैती से कमाई और फिर मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री लगा ली। पुलिस ने गौरंगी में छापा मारकर एक मुलजिम पकड़ लिया, दीगर फरार। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अलावा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में कार्रवाई। 2 मुसाफिरों से 1.5 किलो हीरोइन और 20 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। सोमालिया का दारुल हुकूमत मोगादिशु 2 हौलनाक बम धमाकों से लरज गया। मरने वालों की तादाद 85 हो गई। जाए वकूआ पर कई इमारतें भी जमी बोस।